हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर नीट 2024 का फिजिक्स का पेपर डिस्कस किया जाए तो ठीक है चलिए डिस्कस करते हैं तो हमने एक सेट उठाया है तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन पचास क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे हम लोग ठीक है तो पहला क्वेश्चन देखो ये सर्कुलर मोशन का है वो ये कह रहा है कि अबॉब इज वर्ल्ड इन हॉर्जेंटल प्लेन बाई मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग कोई धागा के हेल्प से बॉब को घुमाया जा रहा है सर्कुलर मोशन ठीक है विथ इनिशियल स्पीड एंगुलर स्पीड उन्होंने दिया है ओमेगा आरपीएम रोटेशन पर मंथ द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स टी टेंशन जो है टी बन जाता है टेंशन टी लग रहा है उसने कहा है कि पहले ओमेगा है एंगुलर स्पीड बाद में एंगुलर स्पीड टू ओमेगा कर दिया गया वाइल कीपिंग द सेम रेडियस रेडियस में कोई चेंजेस हम लोग नहीं कर रहे तो ये एक आइडिया देता है कि कोई रिलेशन है रेडियस से भी द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स वो बात कर रहे हैं कि जो नया टेंशन वो होगा वो क्या होगा इनिशियल टेंशन उन्होंने दिया टी तो आप सोचिए कि कोई ऐसा रिलेशन है कि एंगुलर स्पीड से टेंशन रिलेटेड हो इन जनरल आप सोचोगे कि सर अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो टेंशन बढ़ेगी लेकिन कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया यहाँ पे कोई ये कहेगा सर ये जो टेंशन है इट इज वर्किंग एज ए सेंट्रपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर ये टेंशन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का एक टाइप है आप जानते हो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स होता नहीं है दूसरे फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करते हैं तो ये रिजल्ट ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है लेकिन यहाँ पे ओमेगा के टर्म में तो आप ऐसा लिख दो एम ओमेगा स्क्वायर इन आर क्योंकि हमें पता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा क्यों तो जैसे आप ये रिलेशन लिखते हो टी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर एम क्या भाई एम इज द मास ऑफ द बॉब। बॉब का मास है। आर, इट्स रेडियस, रेडियस, सर्कुलर और ओमेगा एंगुलर स्पीड तो उन्होंने कहा आर कॉन्स्टेंट है और एम भी कॉन्स्टेंट मास तो चेंज हो नहीं रहा तो सर्टनली आप कह सकते हो टी इज प्रपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर बिल्कुल तो टी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर अगर आप ओमेगा को डबल करते हो और स्क्वायर करो उसका तो टेंशन जो हो जाएगा फोर टाइम्स टी डैश विल बी फोर टाइम्स आप ऐसा लिख पाओगे कोई स्टेप वाइज सॉल्व करना चाहे तो लिखेगा टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू ओमेगा वन बाई ओमेगा टू होल स्क्वायर चूंकि टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। सो इफ़ यू आपको आंसर मिलेगा 40। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कई तो क्वेश्चन जैसा कि हर बार होता है कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन तो बेसिक रहेंगे लेकिन इसमें भी बच्चों ने हड़बड़ी में गड़बड़ कर दिया अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ तो जब वो बात कर रहे हैं सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं सर्कुलर पाथ कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है तो कोई कहे वेलोसिटी कांस्टेंट तो ये बात तो सही नहीं है क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो भले स्पीड यूनिफॉर्म हो स्पीड हमेशा सेम हो स्पीड इज सेम लेकिन भाई डायरेक्शन तो बदल रहा है डायरेक्शन हर मोमेंट बदल रहा है है ना तो हम कहेंगे कि सर वेल कॉन्स्टेंट नहीं होगी वेलोसिटी वेलोसिटी इज चेंजिंग है इसका डायरेक्शन बदल रहा है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, क्या यह कहना सही होगा अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डायरेक्शन बदल तो रहा है सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन ऐसा ऑप्शन एक और है कांस्टेंट वेलोसिटी वेरिंग एक्सेलरेशन अनदर वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन तो आप कहोगे कि सर वेलोसिटी बदल रहा है सर्टेनली तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है हम कह सकते हैं वेरिंग वेलोसिटी वेलोसिटी तो बदल रहा है कोई ऑप्शन है ही भी नहीं और ऑफ कोर्स एक्सेलेशन भी बदलेगा क्योंकि यहां पे दो तरह के एक्सेलेशन लगेंगे एक और एक और जो है इसके ठीक है तो वी शुड गो विथ फोर्थ ऑप्शन अगला प्रश्न डिजिटल लॉजिक कई बार बच्चे उतना ध्यान नहीं देते हैं इस तरह के चैप्टर में लेकिन ये बहुत ही इजी चैप्टर है इजी टॉपिक है डिजिटल लॉजिक अब जिसने प्रैक्टिस किया वो देखते के साथ ही आंसर टिक लगा सकता है कैसे उन्होंने कहा ये है ट्रूथ टेबल ये ट्रूथ टेबल दिया गया है आपको इस ट्रूथ टेबल से वाई के लिए एक्सप्रेशन लिखना है तो जब भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं हमने पढ़ा है तो वी फोकस ऑन द आउटपुट आउटपुट कब कब वन हो रहा है तो कोई ध्यान से देखे सर आउटपुट दो ही बार वन हो रहा है एक पहला कंडीशन एक तीसरे कंडीशन और पहले और तीसरे में तुम अगर सिमिलैरिटीज देखो तो सिमिलैरिटीज ये है कि बी यहां पे भी जीरो है बी यहां पे भी जीरो है मतलब आप लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू बी बार बी को करना हमें जीरो यस दिस इज द आंसर अगर किसी को लगे कि नहीं हमें ऐसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो आप पूरा एक्सप्रेशन लिखिए और उसको सिंप्लीफाई कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा वन बाई वन आप दोनों एक्सप्रेशन को लिखोगे वाई इक्वल टू पहला इनपुट है ए बी और ये इनपुट है लेट्स चेक इट दोनों जीरो है तो हम लिखेंगे ए बार बी बार और यहां पे ए है वन तो एज इट इज ए और दूसरा है जीरो तो ए बी बार और अगर कुछ कॉमन ले पाए हम लोग बी बार कॉमन है तो ए बार प्लस ए हमने पढ़ा है ए प्लस ए बार हमेशा जो है वन ही होगा बिल्कुल आप चेक कर सकते हो अगर ए जीरो है दिस विल बी वन देन जीरो प्लस वन इज वन अगर ए को रखा जाए वन अदर विल बी जीरो एंड दैट केस आल्सो इट इज़ वन तो इस चीज को हम लिख सकते हैं बी वार इंटू वन बी तो आपने देखा कि दोनों केसेस में दोनों केसेस में या तो आप डायरेक्ट देख पाओ आंसर या फिर आप ऐसे ब्रेक करके ट्रू ट्रेबल के हेल्प से आप सॉल्व कर सकते चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं <coughs> क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर देखो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं लेंस लॉ उससे पूछा गया ये कहता है कि अगर किसी क्वाइल में किसी सर्किट में करंट इंड्यूस होता है वो कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा कि उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने होने वाले इफेक्ट को अपोज करेगा जो नया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा जिस कारण से क्रिएट हुआ उसको अपोज करेगा तो समझते इस चीज को अगर कोई मैग्नेट है इस तरह से तो मैग्नेटिक लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से राइट right? बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ वो एंटर कर रहा है ओके okay. तो अगर उन्होंने क्वेश्चन में ये दिया है कि मैग्नेट को राइट साइड मूव कराया जाए आप देखिए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स सोलेनोइड टू फ्रॉम सोलेनोइड वन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन बोथ सोलेनोइड वन एंड टू क्या होगा तो अगर आप इस मैग्नेट को राइट साइड मूव करते हो तो पहला इफेक्ट सोलेनाइड वन की के लिए हम लोग डिस्कस करें तो सोलेनाइड वन में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है का इफेक्ट कम होता जाएगा कम होता जाएगा तो सोलेनोइड में जो इंड्यूस करंट है कुछ ऐसा होना चाहिए कि उस इफेक्ट को बरकरार रखे और मैग्नेटिक फील्ड जो कम हो रहा है उसको कम होने से रोके तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑरिजिनेट होनी चाहिए इनसाइड साइड द सोलेनोइड तो अगर आप चेक करो राइट हैंड थंब रूल से तो आप पाओगे कि अगर इस साइड हमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है तो करंट का डायरेक्शन इफ यू कर्ल योर फिंगर तो आप पाओगे कि कुछ ऐसा ऊपर की तरफ इनवर्ड और इधर आउटवर्ड तो करंट फ्लो जो होगा अगर मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसा होगा करंट फ्लो तो सटनली आप देखो करंट जो है रोटेट होके ए से बी की तरफ आ रहा है तो हमारे पास दो दो ऑप्शन है ए बी इधर भी ए बी उल्टे साइड चलते इधर क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिस वे और अगर ये करीब आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग वो बढ़ता जा रहा है उसके इफेक्ट को घटाना है तो सोलेनोइड कुछ ऐसा बिहेव करेगा कि इंड्यूस करंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड शुड बी दिस वे बाहर की तरफ क्योंकि उस इफेक्ट को उसको रोकना है तो आप यूज करें फिर से राइट हैंड थंब रूल तो आप पाओगे ऊपर की तरफ जो है करंट बाहर की तरफ आ रहा है ऊपर के पॉइंट में और इधर एंटर कर रहा है सो करंट इज गोइंग लाइक दिस ओवरऑल so, अगर आप चेक करो तो डी से सी की तरफ डी से सी की तरफ तो वी हैव दिस ऑप्शन दिस इज नॉट पॉसिबल दिस इज पॉसिबल पहला ऑप्शन ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव तो दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे उन्होंने असर्शन रीजन से पूछ लिया स्टाइल थोड़ा अलग था उनका पहला स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा कि असरसन ये है कि पोटेंशियल एट एनी एक्सेल पॉइंट एट टू मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी ऑफ मैग्निट्यूड दिस मच इज नाइन इंटू टेन रेस टू थ्री वो टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वो तो ऐसे क्वेश्चन आपने कई प्रैक्टिस किए हैं जब हम बात करते हैं डायपोल की डायपोल की, की बात करें हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको पता है एक्सेल लाइन कौन सा होता है ये है एक्सेल लाइन तो एक्सेल लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट है पी आर दूरी पे सेंटर से आर दूरी पे तो सबको याद है भाई फॉर्मूला अगर ये डायपोल जो है स्मॉल डायपोल है, है ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है प्लस माइनस पी फोर पाई एफ्सल नॉट आर स्क्वायर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस माइनस इसलिए क्योंकि डायपोल की पोजिशन उल्टी भी हो सकती है तो उसके अनुसार हमने प्लस माइनस रखा अगर आप उस फॉर्मूले को यूज करते हो और वी की वैल्यू निकालते हो क्योंकि पी दे रखा है पी का मान दे रखा है उसने वन बाई फोर पाई एफ्सल नॉट उसकी वैल्यू आपको पता है आर भी दे रखा है आर की वैल्यू टू मीटर तो अगर कैलकुलेशन करोगे तो सर्टेनली आपकी जो वैल्यू है इट विल मैच नाइन इंटू टेन पे पावर थ्री वोल्ट तो हम कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरे रीजन में उन्होंने फार्मूला ही गलत लिख दिया तो असरसन तो सही है पर रीजन में उन्होंने फार्मूला के साथ घपला कर दिया दे। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा थर्ड वन यस चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है तो इस चैप्टर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा उन्होंने वैल्यूज को ही रिलेट करने के लिए बोल दिया तो चलो रिलेट करते हैं तो सबसे पहला उन्होंने बोला डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक दिमाग में आते ही आपको पता है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है और कांस्टेंट होती है कई बार उन्होंने पूछा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो वो टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं होता नेगेटिव वैल्यू फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक आपने कई बार पढ़ा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है काई की वैल्यू ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू जो है वो वन से काफी कई बार हंड्रेड वैल्यूज होते गिवन तो दो तो ऐसे ही आ गए आपके ए टू बी का थर्ड तो जैसे ही आप चेक करोगे तो इतने से भी आंसर आ दिख रहा है मैं ए का टू बी का थर्ड और भी कोई रिलेट करना चाहे जैसे ये दिख रहा है मैं नॉन मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक ऑफ कोर्स लास्ट वन मैचिंग पैरा मैग्नेटिक तो पैरा मैग्नेटिक स्मॉल वैल्यूज होती है काई की और उन्होंने दे दे भी रखा है स्मॉल पॉजिटिव नंबर तो मुझे नहीं लगता इसमें कठिनाई हुई होगी अगर आपने थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखा होगा रिवाइज किया होगा तो सटनली फर्स्ट आंसर है चलिए बढ़ते है अगले क्वेश्चन की ओर हाँ ये क्वेश्चन कई बच्चे ने कहा सर मुश्किल क्वेश्चन पूछा उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में अगर डायपोल को रखा जाए मैग्नेट को रखा जाए तो भाई हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं टॉर्क का पोटेंशियल एनर्जी का लेकिन वो एसएचएम वाला फार्मूला जो हमने लास्ट में आपको ऐड करवाया था डेरिवेशन तो जरूरत नहीं है लेकिन नीट के एग्जाम में वो पूछ सकते हैं तो उन्होंने पूछा तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड इज टू पाई रूट अंडर आई अपॉन एम बी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो कॉम्पस को तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा उस पर टॉर्क काम करेगा और डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा कि इट विल ऑसिलेट, ऑसिलेट करेगा वो तो ऑसिलेट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसका टाइम पीरियड होगा तो अगर आपने याद रखा होगा ये फॉर्मूला तो आप कर सकते हैं बिल्कुल चलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी की वैल्यू दे रखी उन्होंने मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म्स ट्वेंटी ऑसिलेशन इन फाइव सेकेंड ऑसिलेशन इन फाइव मतलब वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ट्वेंटी ऑसिलेशन इन फाइव सेकेंड फ्रीक्वेंसी के लिए हमें एक सेकेंड की चर्चा करनी होगी कि एक सेकेंड में क्या होगा तो एक सेकेंड में आप कहोगे सर इट विल बी फोर ऑसिलेशन दैट इज फोर हर्ट्स अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो दैटी बाई एफ वन बाई फोर सेकेंड तो देखो भाई उन्होंने टी का भी हिसाब किताब दिया है बी का भी दिया है आगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्योंकि जब यह आप पढ़ते हो ना इसी से आइडिया लग जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगा है। तो यह भी दिया हुआ है इनर्शिया भी दिया हुआ है इफ द मैग्नीट्यूड सॉरी इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द नीडल इज टेन रेज टू माइनस फाइव तो मैग्नेटिक मोमेंट यही तो है मैग्नेटिक मोमेंट दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट तो पाई तो कांस्टेंट है सारी वैल्यू दी रखी हुई है और उसने पूछा वैल्यू ऑफ एक्स क्योंकि एम जो है कंप्लीट वैल्यू नहीं दिया उन्होंने एक्स के टर्म में दिया तो आपसे वो थोड़ा कैलकुलेशन करवाना चाहते तो वेन यू सॉल्व इट दो तीन स्टेप लगेंगे और वैल्यूज आएगी फोर्थ वन ओके चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर एट अब देखिए इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता हमने पढ़ा है फॉर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के लिए पढ़ा है प्राइमरी क्वाइल्स सेकेंडरी क्वाइल्स और जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी सप्लाई एंड दिस साइड लोड अगर कोई लोड लगा हो तो हम लोग कहते हैं दैट इज सेकेंडरी तो पहला ही कंडीशन हमने पढ़ा था कि वी एस अपॉन वीपी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी और पूछा भी उन्होंने वैसे ही पी हाँ ये अलग बात है उन्होंने उलट के लिखा है तो आप भी उलट के लिख दो फिर से वापस टू इज टू वन दस चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते तो जैसा कि मैंने कहा था कई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कई क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं तो जो क्वेश्चन आपको लेंदी लगे वो एग्जाम में आपको लास्ट में करना चाहिए चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन वर्नियर कांस्टेंट कई बच्चों ने ये टर्म देखा वर्नियर कांस्टेंट और क्वेश्चन छोड़ के चले आए क्योंकि वर्नियर कांस्टेंट उन्हें लगा कुछ नया टर्म है दैट इज सेम एज लीस्ट काउंट और काउंट का फॉर्मूला होता है वन एम एस डी बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल तो आपका हो गया हाँ, तब तो सर बड़ा आसान है क्योंकि उन्होंने लिखा है कि एन प्लस वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल को इनसाइड विथ एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल आप जानते हो वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग अगर किसी के डायमीटर निकालना हो कोई ऑब्जेक्ट की या लेंथ मेजर करना हो तो ज्यादा एक्यूरेट आप कर पाओगे उसको मेजर करने का तरीका है तो लीस्ट काउंट इज इंपॉर्टेंट लीस्ट काउंट अगर हमें पता चल जाता है तो हम लोग वर्नियर स्केल रीडिंग से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देते हैं तब हमें एक्चुअल रीडिंग मिलती है तो वो तो अलग क्वेश्चन हो गया लेकिन अगर हमें सिर्फ लिस्ट काउंट पूछा जाए तो उन्होंने लिखा है कि वन एम एस डी इज पॉइंट वन एम एम एंड नंबर ऑफ डिवीजन साफ दे रखा है एन प्लस वन और आंसर वो चाहते हैं सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में तो ये तो यही आंसर हो गया अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो मिलीमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो भाई हम लोग क्या करेंगे हम लोग टेन से डिवाइड कर देंगे से डिवाइड करें तो टेन से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा वन बाई हंड्रेड इंटू एन प्लस वन यस अगला प्रश्न फोर्थ चैप्टर में बच्चे बच्चों ने बहुत लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए लेकिन नीट में नीट के एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं और ख़ास के इस चैप्टर से इस चैप्टर की बात करें हम लोग तो कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को तो आप कहोगे सर फ्रिक्शन तो है नहीं दर इज़ नो फ्रिक्शन फ्रिक्शन है नहीं तो कोई टेंशन नहीं है हम इस पूरे सिस्टम को एक बॉडी मान लेते हैं और उस बॉडी का मास हो गया फाइव के जी सबसे पहले आप एक्सोलेशन फाइंड कर लो एक्सोलेशन इज टेन बाई फाइव टू मीटर पर सेकेंड उसको उन्होंने क्या पूछा है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी ए जो है बी पे कितना फोर्स लगा रहा है उल्टा भी पूछ सकते थे बी ए पे कितना लगा रहा है क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ से आपको पता है बोथ मैग्नीट्यूड विल बी सेम है ना तो चलिए हम बात करते हैं ए कितना फोर्स बी पे लगा रहा है पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन आपको मिल चुका है ए इज इक्वल टू टू तो क्यों ना बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया जाए बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ए बी डी बना दिया जाए तो आप कहोगे सर बी पे एक ही फोर्स लग रहा है हॉर्जेंटल डायरेक्शन में हॉर्जेंटल डायरेक्शन की बात करें तो वो फोर्स जो है लेट्स से फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी एंड इट इज शोइंग एक्सलेशन जिसकी वैल्यू है टू और मास सिर्फ बी की मास की चर्चा करें विल बी थ्री के जी तो आप जानते हो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू इट्स एक्सेलरेशन और नेट फोर्स क्या एक ही फोर्स ही ऑरिजेंट्रल डायरेक्शन में तो आप उसको लिख दो एफ ए बी इज़ थ्री इंटू टू सिक्स यस चलिए आगे बढ़ते एस एच एम चैप्टर से उन्होंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है दे टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड तो आप जानते हैं कि अगर कोई साइनोसाइडल फंक्शन है तो साइन के साथ आगे जो मल्टीप्लाई होता है वही तो एम्पलीट्यूड होता है तो पहला पार्ट डन इज फाइव और यूनिट यहां दे रखा है उन्होंने तो आंसर विल बी फाइव मीटर तो देखो फाइव मीटर यहां पे भी यहां पे भी है दूसरा पार्ट उन्होंने पूछा है टाइम पीरियड टाइम पीरियड सर कैसे निकालूं तो आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है टी से जो आगे मल्टीप्लाई होता है उसे हम लोग कहते हैं जैसे ओमेगा टी के फॉर्मेट में हम लिखते हैं तो ओमेगा टी का मान दिया हुआ है पाई टी तो ओमेगा हो गया भाई पाई और ओमेगा को हम लिख सकते हैं टू पाई बाई टी, कोई टू पाई एफ भी लिख सकता है लेकिन हमें टाइम पीरियड के टर्म में लिखना है तो आप पाओगे सॉल्व करने पे टी इक्वल टू टू सेकेंड यस सेकेंड ऑप्शन चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपने काफी डिस्कस किए होंगे। डायग्राम से देख के लग रहा है कि कुछ मामला इंटरनल रेसिस्टेंस का है हाँ उन्होंने कहा इंटरनल रेसिस्टेंस वन ओम है सप्लाई वोल्टेज टेन तो बैटरी के साथ ही है इंटरनल रेसिस्टेंस वो पूछना चाहते हैं वेन कनेक्टेड थ्रू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ फोर दिस इज इंटरनल एंड दिस इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जब हम कनेक्ट करें तो आप बताइए टर्मिनल वोल्टेज द बैटरी तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज तो भाई यही होगा अगर इसको नाम दे दो ए बी तो कोई फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता है या बेसिक से सॉल्व करें सबसे पहले करंट निकाल लो तो करंट निकालने के लिए वी अपॉन आर इ्यू आप जानते हो कि फोर और वन सीरीज में होगा क्योंकि फोर ओम से जितना करंट फ्लोर है वन ओम से भी करंट उतना ही फ्लोर है तो आप इसको लिख दो फाइव ओम एंड दिस इज टेन वोल्ट तो आई आ गया भाई टू एम अब हमें चाहिए वोल्टेज अक्रॉस ए बी तो फिर से कई तरीका है कोई कहेगा सर इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लीजिए आप और उतने का ड्रॉप हो जाएगा तो अगर मैं इंटरनल रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालूं तो दैट विल बी आई इंटू वन और आई की वैल्यू है टू तो टू इंटू वन टू एम पी है सॉरी दैट इज टू वोल्ट तो आप कहोगे कि सर बैटरी प्रोवाइड कर रहा है टेन वोल्ट लेकिन टू वोल्ट तो यही कंज्यूम कर रहा है ना तो हम कहेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी विल बी टेन माइनस टू एट वोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कई बच्चों का यह था कहना कि सर मेरा आंसर यह है स्टेटमेंट टू सही है कुछ बच्चों का कहना था स्टेटमेंट टू गलत है तो चलो चर्चा करते हैं पहला स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बिल्कुल सही बात है सेकेंड स्टेटमेंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम इन द लाइट ऑफ द एब स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट तो स्टेटमेंट टू जो उन्होंने कहा ना कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल अगर उन्होंने कहा होता मोस्ट ऑफ द एटम्स आर स्टेबल देन आई वुड है उसमें आप चेक करो हैव क्लियरली रिटन मोस्ट ऑफ द एटम्स आर स्टेबल ईच एलिमेंट अगर आपने ईच वर्ड इंक्लूड कर दिया तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो सटनली आंसर विल बी थर्ड स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन उन्होंने पूछा बहुत ही आसान आप जानते हो कि मॉडर्न फिजिक्स में उन्होंने सिलेबस रिड्यूस किया तो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है पर क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा बेसिक स्टाइल में पूछा है उन्होंने पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड यू हैव टू आंसर जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है कुछ वैसा ही पैटर्न तो इस तरह के क्वेश्चंस इजी होते हुए भी थोड़ा सा अगर आपने मिस्टेक किया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाता right? तो है राइट तो चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू तो ये बात तो बिल्कुल सही है वेलोसिटी ऑफ ए फोटोन इज सी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट ये भी सही दोनों स्टेटमेंट सही है तीसरा मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज एच न्यू बाई सी यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट उसको आप एच बाई पी भी लिख सकते सॉरी एच बाई लैम्डा, मोमेंटम इज एच बाई लेमडा और हमें पता है सी इक्वल टू वी लेमडा तो अगर आप उसमें एक्सप्रेस करो तो ये भी स्टेटमेंट सही है अरे भाई तीन तीन स्टेटमेंट सही हो गया फोर्थ चेक करें इन्हें फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्वड फिफ्थ स्टेटमेंट फोटोन पजेजेस पॉजिटिव चार्जेस तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया फोटोन कोई पॉजिटिव चार्ज पजेज नहीं करता है तो आप ढूंढिए ऐसा ऑप्शन यस डी इज ऑल्सो करेक्ट सो आंसर इज ए बी सी डी एक ऑप्शन उन्होंने कुछ ऐसा दिया था ए बी डी तो सी तो जिसका सी सही हो गया तो वो तो सर्टनली कहेगा कि फोर्थ पॉसिबल नहीं है चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बच्चों का ये राय था क्या सर हम लोग वैल्यूज याद रख लें फॉर ट्रांजिशन की नम अगर एटम्स का एलिमेंट सॉरी जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा है यहां पे बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की तो क्या ये सारे वैल्यूज याद रखना कंपलसरी है ताकि हमारा टाइम बच जाए हम कैलकुलेट ना करें तो कैलकुलेट करने की जरूरत आपको ऐसे भी नहीं है क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है अगर आपको रिलेशन याद है कि क्या रिलेशन जैसे मैं लिखूं रिलेशन यहां पे बात हो रही है वेवलेंथ लिमडा और एक गौर करने वाली बात यह है कि एन टू की वैल्यू अलग अलग है लेकिन एन वन की वैल्यू सेम है मतलब ट्रांजिशन जो हो रहा है एन टू टू एन वन तो जो सेकेंडरी स्टेट है दैट इज सेम फॉर ऑल तो अगर आप फॉर्मूला ध्यान रखो वन बाई लेमडा आर वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर अगर आपने एक वैल्यू फिक्स कर दी और दूसरे वैल्यू को आप चेंज कर रहे हो तो आपका पैटर्न कुछ ऐसा मिलेगा अगर ट्रांजिशन ट्रांजिशन जो है हायर स्टेट से हो रहा है फ्रॉम हायर स्टेट वेवलेंथ विल बी लेस कैसे सर देखो एन वन फिक्स है एन टू अगर वैल्यू बड़ी होगी तो ये ओवरऑल वैल्यू छोटी होगी और अगर छोटी होगी तो ओवरऑल वैल्यू ये जो होगा ये ओवरऑल बड़ा होगा मतलब वन बाई लेमडा विल बी लार्जर वन बाई लेमडा लार्जर तो लेमडा स्मॉलर तो हमने स्टार्टिंग में यह कहा था कि अगर एन टू बड़ी है तो जो होगा छोटा होगा हमने पाया लिम्डा जो लिम्डा की वैल्यू होगी वो छोटी होगी तो आपको कैलकुलेट करना ही नहीं आप चेक करो कि सर एन टू वैल्यू सबसे बड़ी डी के लिए है। तो सबसे कम होना चाहिए उसका मतलब डी के लिए आंसर हो जाएगा वन सबसे कम वही है ना हाँ बिल्कुल फिर अगर कोई कहे सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा अगर एन टू की वैल्यू छोटी हो तो वेवलेंथ ज्यादा होगी तो सबसे छोटी एन की वैल्यू थ्री है तो सबसे बड़ी वेव लेंथ यस? तो आप चेक करो A का थर्ड तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहां पे। और सेंट्रली डी का वन बाकी भी उसी रेस्पेक्टिव ऑर्डर में आप आप एन को अरेंज कर दीजिए थ्री फोर फाइव सिक्स है ना तो वेवलेंथ भी वैसे ही यहां पे सबसे ज्यादा फिर उसके बाद इससे थोड़ा कम ये वाली वैल्यू फिर उससे थोड़ा और कम ये वाली वैल्यू सबसे कम ये वैल्यू तो देखिए यहां पर समझिए इस बात को एन वन इज फिक्स्ड आर इज फिक्स्ड एन टू की वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये जो रेशियो होगा वो छोटा होगा पर है ये नेगेटिव में तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी दैट विल बी लार्जर मतलब वन बाई लेमडा की वैल्यू भी लार्जर वन बाई लेमडा लार्जर तो लेमडा हो जाएगा स्मॉलर तो अगर किसी ने ये एनालिसिस पहले ही कर लिया होता एग्जाम के पहले बहुत सारे बच्चे करते हैं हमने क्लास में भी डिस्कस किया तो आपको यहाँ पे एनालिसिस करने की जरूरत नहीं टेस्ट में आप बस ये देखेंगे कि हाँ एन टू की वैल्यू सबसे छोटी है कौन सी उसके लिए वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते तो क्वाइल से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है नॉट ए डिफिकल्ट वन क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इन साइड ए क्वाइल इज म्यू नॉट एन आई फॉर लार्ज सोलर लॉइट यहां पर क्वाइल की बात हो रही है सिंगल क्वाइल के लिए आप लोग लिखते हो फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर सिंगल क्वाइल के लिए अगर एन टर्न्स है इसमें एन टर्न्स तो इसको आप लिख दोगे एन टाइम्स म्यू नॉट आई बाई टू आर तो देखिए एन की वैल्यू उन्होंने दे रखी है हंड्रेड टर्न्स म्यूनोट भी दिया हुआ परमियाबिलिटी करेंट की वैल्यू भी दे रखा उन्होंने रेडियस भी दे रखा तो जब आप सॉल्व करोगे तो ईजिली आंसर मिल जाएगा आई थिंक आंसर इस फोर पॉइंट फोर हमें सॉल्व किया था इसको येस फोर पॉइंट फोर मिली टस्ला फिर से डिजिटल लॉजिक का क्वेश्चन बच्चों को परेशान करता ही है लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा इसके लिए इस उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सर कैसे जब भी हमने पढ़ा नॉर गेट के लिए या नैंड गेट के लिए दोनों इनपुट एक ही दोनों पिन जो हैं एक ही इनपुट से कनेक्टेड हो दोनों पिन एक ही इनपुट से कनेक्टेड हो तो ये नॉट की तरह बिहेव करता है दिस इज ऑल्सो नॉट आप जानते हो नैंड गेट से कोई सा भी गेट बनाया जा सकता है उसको अरेंज करके एक या एक से अधिक तो उन्होंने पूछा है कि वाई का जो रिजल्ट होगा वाईज आउटपुट वो कौन से गेट की तरफ बिहेव करेगा पूरा जो सिस्टम है वो कौन से गेट की तरफ बिहेव करेगा तो अगर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना आता है तो आप डायरेक्टली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें दो मेथड हो सकते हैं पहला मेथड मैं डिस्कस करूं ए बन जाएगा यहां पे ए बार एंड दैट विल बी इनपुट फॉर दिस नॉर गेट और बी जो है ये बन जाएगा बी बार और गेट क्या करता है गेट आपको याद होगा और गेट और नॉट मिलके बना हुआ है पहले जो भी इनपुट है दोनों को जोड़ेगा और उसको पलट देगा तो इनपुट है ए बार और बी बार इस थर्ड लॉजिक गेट के लिए इनपुट तो यही दोनों है नॉर का काम क्या है दोनों को जोड़ दीजिए जोड़ दिया दी हमने और पलट देना मतलब पूरे पे बार लगा दो तो. ये पहला मेथड जो मुझे बड़ा आसान लगता है तो आप जैसे ही ऐसा लिखोगे बोलोगे सर ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं ऐसा गेट तो हमने पढ़ा ही नहीं है हाँ तो आप डी मॉर्गन्स आपने पढ़ा है डी मॉर्गन्स यस डी मॉर्गन्स थ्योरम तो डी मॉर्गन थ्योरम ये कहता है कि आप इस जो कॉम्प्लीमेंट बार है इसको ब्रेक करना चाहते ब्रेक कर सकते हैं पर शर्त ये है हमने ब्रेक कर दिया ऊपर वाले को ब्रेक कर दिया शर्त ये है कि अगर ये प्लस है तो ये इन टू हो जाएगा और डी मॉर्गन थियोरम ये भी कहता है कि ए डबल बार इज ए बी डबल बार इज बी तो बेसिकली है ए इंटू बी तो बड़ा आसान हो गया एंड गेट अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें थोड़ा ये हमने ये नहीं पढ़ा ये हमें मुश्किल होती है तो आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है दैट विल आल्सो नॉट टेक मच टाइम हमें गेट पहचानना है तो आप चार स्टेट लिख लो क्योंकि दो इनपुट है तो चार स्टेट बनते हैं अब चारों स्टेट के लिए आप बारी बारी से चेक कर लीजिए कि जीरो जीरो है तो कौन सा बनेगा यहां पर अगर इनपुट जीरो दिया जाए यहां पर भी जीरो दिया जाए तो जीरो ये बन जाएगा यहां पे वन ये भी बन गया वन और वन वन का नॉर गेट हो जाता है जीरो तरह तो आप अगर सारा चेक करोगे ना चार कंडीशन तो कुछ ऐसा आएगा जीरो 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 इट इज एंड गेट चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो रेसिस्टर का क्वेश्चन है उन्होंने थोड़ा लैंग्वेज लग रहा है कि मुश्किल है लेकिन आसान है ये अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेसिस्टेंस आर 100 ओम इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स कोई वायर है भाई उसको दट दस पार्ट में आपने बांट दिया तो आप जानते हो कि रेसिस्टेंस जो होता है रो एल बाई ए अगर इसका रेसिस्टेंस है 100 ओम अगर हमने इसको कट करके 10 पार्ट्स में बांटा है तो आपने बेसिकली क्या किया इसके लेंथ को शॉर्ट कर दिया लेंथ को शॉर्ट कर दिया तो आप कहोगे रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ अगर पूरे का रेसिस्टेंस 100 है तो ईच पार्ट का रेसिस्टेंस हो जाएगा टेनोम 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 अब उन्होंने क्या किया कि द फर्स्ट फाइव पार्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज पहले पांच को सीरीज में लगा दो तो सिंबल मैं थोड़ा अलग ढंग से लिख रहा हूं सीरीज में लगा दिया हमने टेन 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 वाइल द नेक्स्ट फाइव पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल सॉरी ये तो हमने पैरेलल में लगाया दैट इज सेकंड केस अब बाकी को पहले हमने सीरीज में लगाया ठीक है द टू कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज फिर इन दोनों को फिर से सीरीज में जोड़ दीजिए ये दोनों जो कॉम्बिनेशन आएगा उनको सीरीज में जोड़ दीजिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन सेकेंड कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस ऑफ द फाइनल कॉम्बिनेशन इसका आर इक्विवेलेंट आपको बताना है तो आप कहोगे सर सीरीज में है तो फर्स्ट पार्ट का रेसिस्टेंस हो जाएगा 50 ओम और टेन टेन टेन, टेन पैनल का फॉर्मूला लगाओ तो ये ये हो जाएगा भाई टू हो क्योंकि पांच लगे हैं और ये फिफ्टी तो सर्टेनली दिस विल बी फिफ्टी टू क्योंकि सीरीज में लगा है तो फिर से ये जुड़ के हो जाएगा फिफ्टी टू चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से लिया गया है न्यू सिलेबस में उन्होंने मेंशन तो नहीं किया था लेकिन उन्होंने पूछा है बहुत मुश्किल नहीं बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन तो एक बच्चे ने सजेस्ट किया कि सर आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए इसमें पहले अल्फा डिके हो रहा है फिर ई e प्लस फिर बी माइनस फिर ई माइनस दिस इज ई प्लस और ये है ई e माइनस तो एक बार ई e प्लस एक बार ई e माइनस तो सडनली ओवरऑल दीज टू विल नॉट प्ले रोल तो कुछ ऐसा सिस्टम बन गया 82 टू टू नाइनटी अल्फा डिके वाई एंड फाइनल रिजल्ट क्यू बीटा डिके क्योंकि ई e प्लस और ई माइनस डिके कैंसिल हो गया तो आप जानते हो कि अल्फा डिके में क्या होता है ये रिप्रेजेंटेशन है एटॉमिक नंबर का एटॉमिक नंबर में टू का डिक्रीमेंट हो जाता है माइनस टू सो दिस विल बी एटी और अल्फ, अल्फा डीके के में साथ साथ में ये जो मास नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा फोर से सो दैट विल बी सॉरी दैट विल आल्सो डिक्रीज बाय फोर तो ये हो गया भैया टू एटी सिक्स फिर है बीटा डीके. तो बीटा डीके में आप जानते हो मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा दैट विल बी टू सिक्स पर बीटा डीके में जेड की वैल्यू एक बढ़ जाती है एटी वन प्लस वन सो एटी वन ठीक है तो मिल गया हमें आंसर टू एटी सिक्स हां दिख रहा है भैया यहां पे भी दिख रहा है पर हाँ, दूसरी जो वैल्यू है 81 वन होनी चाहिए तो ये आंसर मास नंबर इस टू एटी सिक्स एटोमिक नंबर इस एटी वन यंग्स मॉडल्स देखो यंग्स मॉडल्स से पहले भी हमने कहा कि एक ही टाइप का क्वेश्चन वो बार बार पूछते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उनका यही है इलास्टिसिटी चैप्टर में यंग्स मॉडल्स तो आप लिखते हो यंग्स मॉडल्स एस फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल तो कैसे सॉल्व करोगे क्या पूछा उन्होंने तो आप कहोगे सर मैक्सिमम इलांगेशन उन्होंने पूछा है और वो बात कर रहे हैं इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट का मतलब ये होता है मैक्सिमम स्ट्रेस ये जो टर्म है दैट इज आल्सो स्ट्रेस तो इलास्टिक लिमिट का मतलब ये होगा स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू एफ बाय ए की मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने दे रखा है दैट इज एट इन टू टेन रेज टू एट और यंग मॉडल्स भी दे रखा है उन्होंने दे रखा है एट इन टू टू एट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पूछा है डेल्टा एल डेल्टा एल की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर्स अगर स्ट्रेस मैक्सिमम तो डेल्टा एक्स भी मैक्सिमम होगा जहाँ पे वायर लेंथ इस वन मीटर वन मीटर लेंथ है इसका तो आपको ये भी वैल्यू नोन है वन मीटर तो अगर आपको डेल्टा एल की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे एफ बाई ए की वैल्यू नोन है डिवाइडेड बाई गामा दोनों नोन है सो दैट इज एट रेस टू एट हाँ ये वैल्यू हमने गलत नोट कर ली स्ट्रेस की वैल्यू है एट इंटू टेन रेज टू एट एंड गामा की वैल्यू है टू इंटू टेन रेस टू माइनस माइनस नौ प्लस ऑफ कोर्स 11 सो आंसर आएगा फोर इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री मीटर सो सर्टनली इट इज फोर मिलीमीटर फोर मिलीमीटर अगला क्वेश्चन करते हैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो बात कर रहे हैं यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट हमने किया क्लास में हमने किया था ग्रीन कलर लाइट के लिए तो पर्टिकुलर कलर इसलिए चूज किया जाता है कि आप जानते हो हर कलर की अपनी अलग फ्रिक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी के कारण अलग होने के कारण बेंडिंग ऑफ लाइट हर कलर के लिए अलग अलग होगा और जब हम यंग स्लेट एक्सपेरिमेंट की थ्योरी पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि दैट इज जो पैटर्न आपको मिलता है ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क वो इस कारण से मिलता है कि दो सिमिलर फ्रीक्वेंसी के वेव को करते हैं एक पॉइंट पे मिलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है लेकिन अगर मान लिया जाए आपके पास सिंगल लाइट ना हो मोनोक्रोमेटिक लाइट ना हो मोनोक्रोमेटिक का मतलब हुआ सिंगल कलर जिसकी फ्रीक्वेंसी लिमिटेड हो अगर आपने व्हाइट लाइट यूज कर लिया तो व्हाइट लाइट इज मिक्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी तो वो होगा क्या वो लाइट बिखर जाएगा सात कलर में सात कलर दोनों स्लिट से सात सात कलर निकलेंगे तो जो पैटर्न बनेगा बड़ा मिक्स ऑफ़ पैटर्न क्लियर पैटर्न नहीं बनेगा तो चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन है इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिस बिल्कुल नहीं डिसफेयर नहीं होगा पर पैटर्न बड़ा मिक्सअप होगा क्लियर पैटर्न नहीं बनेगा देर विल बी सेंट्रल डार्क फ्रेंच सराउंडेड बाई फ्यू कलर्ड फ्रेंजेस देर विल बी सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रेंजेस सराउंडेड बाई फ्यू कलर्ड फ्रेंजेस तो हम जानते हैं कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट हो तो सेंट्रल फ्रिंज जो होता है डार्क होता है या ब्राइट होता है ग्रीन कलर हमने यूज किया था तो आपने पाया था सेंटर में ग्रीन कलर का ब्राइट स्पॉट बना था तो यहाँ पे भी ब्राइट बनना चाहिए तो देर विल बी सेंट्रल व्हाइट कलर फ्रेंच सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंज बिल्कुल क्योंकि लाइट तो बिखर चुका है तो हमें मुश्किल नहीं हुई आंसर ढूंढने में थर्ड ऑप्शन ट्वेंटी टू उन्होंने पूछा है वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए आप लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस फोर्स इनटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट पर्टिकुलर मोमेंट तो फोर्स तो भैया उन्होंने दिया है शायद यस yes, हाँ फाइव न्यूटन तो फोर्स तो फिक्स है इंस्टेंट की बात करो या एवरेज की बात करो फोर्स तो हमेशा फिक्स है एक्सलेशन नहीं दिया उन्होंने पोजिशन दिया है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में पोजीशन ऑब्जेक्ट की बदल रही है एक्स इक्वल टू टू टी माइनस वन तो क्या यहां से हम लोग वेलोसिटी याद कर सकते हैं पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी तो वेलोसिटी बिल्कुल आपने पढ़ा वी इज डीएक्स बाई डी टी तो वेलोसिटी हो गई टू टू यूनिट एस आई यूनिट में ही रखा है तो एस आई यूनिट में टू तो आंसर हो गया टेन अगला प्रश्न ट्वेंटी थर्ड रीजन क्वेश्चन था पहला स्टेटमेंट जो है सोलर सेल से रिलेटेड है उन्होंने आई बी कैरेक्टरिस्टिक की बात की है तो आई बी कैरेक्टरिस्टिक अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद है सोलर सेल का कुछ ऐसा होता है क्या मतलब है सर ये नेगेटिव में क्यों है करंट करंट नेगेटिव में इसलिए है कि सोलर सेल इज नॉट लाइक ए रेसिस्टर रेसिस्टर के लिए आई वी कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है डायोड के लिए अलग होता है रेसिस्टर के लिए हम लोग लिखते हैं आई इक्वल टू वी अपॉन आर सो यू गेट स्ट्रेट लाइन कर्व। अगर इधर हम कह दें वी और इधर आई पर सोलर सेल तो रेसिस्टर नहीं है रेसिस्टर क्या होता है एनर्जी कंज्यूम करता है वो बैटरी से पावर विड्रॉ करता है पर यहाँ पे सोलर सेल की बात हो रही है सोलर सेल सिस्टम को करंट प्रोवाइड करता है मतलब है वो लोड लेकिन वो करंट प्रोवाइड कर रहा है तो इसलिए करंट का डायरेक्शन जो है हम लोग उल्टा लेते हैं तो करंट की जो भी वैल्यू है जो भी वैल्यूज आएगी विथ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस वो नेगेटिव में आएगी तो उन्होंने पूछा था कि अगर किसी को कर्व याद हो तो डायरेक्ट वो टिक लगाएगा कि कौन से क्वारडेंट में होगा सो यस सटनली इट इज़ इन फोर्थ क्वारेंट फोर्थ क्वारेंट में होगा ये और फोर्थ लिखा भी है तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है दूसरा इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो बिल्कुल सही बात है इज ड्यू टू मेजोरिटी यही पे गलत कर दिया उन्होंने मेजोरिटी के कारण तो मेजोरिटी के हेल्प से फॉरवर्ड बायस होता है फॉरवर्ड बायस में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं जब वो बात कर रिवर्स बायस सो इट शुड बी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो पह, पहला कथन तो सही था दूसरा गलत हो गया तो हम लोग कहेंगे कि आंसर इज ए इज करेक्ट बी इज इन करेक्ट चलिए तो फिर आगे के क्वेश्चन वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे चलो तो आज के लिए इतना ही थैंक यू फिर मिलेंगे